वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन उम्मीद है नाज़ी आप सब खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं बाहर सख्त तेज़ बारिश हो रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद लालपिंडी में इतनी गर्मी शदीद के बाद जब बारिश होती है तो एक समाजा बन जाता है और तारें गिर जाती हैं अभी रस्ते में मैं जब आ रही थी मैं देख रही थी दरख्त गिरे हुए शाखें गिरी हुई तो so, एक बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और उसके बाद बारिश होती है और नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा चिलकती हुई धूप जो है वो दोबारा से नमूदार हो जाती है तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं ठीक ठाक हैं आपसे मुलाकात होती है मेरी और मैं फिर आपके साथ होती हूँ लाइव जुमेरा जुमा हफ्ता रात को नौ से साढ़े दस बजे तक लाइव और आप लोग लाइव शो में हिस्सा ले सकते हैं ज़ीरो फाइव वन फोर वन जीरो टू थ्री फाइव सेवन पे और साथ साथ कैसे हैं आप लोग सब खैरियत है और साथ साथ ये भी बता दूँ कि एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और इस पर मैं ज़रूर स्ट्रेस देना चाहूँगी कि अभी जो एक वाक़ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हुआ जिसमें एक माँ जो है उनके दो बेटों को जो वहाँ की मुकामी ब्रिटिश पुलिस है उन्होंने इतनी बेदर्दी से उनको पता नहीं किस वजह से उनको इतना जदोकोब किया इतना मारा पीटा इतना बेहिमाना तरीके से तशद उन पर किया और आई स्टिल नॉट कम टू टर्म्स कि उसकी वजूहत क्या थी और uh, मेरी दरख्वास्त है हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी जो हुकूमत है कि इस पर प्लीज़ नोटिस लें इस तरह के जो जितने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी हुकूमत पे लागू होती है कि उनके साथ इस तरह का बहिमाना तशद अगर हो विदाउट एनी रीज़न तो इस पर उनको फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए था आपको पता ही होगा कि जब पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में अमेरिका के किसी एक शहरी को भी कुछ ऐसा आ, आ, होता है कोई भी इस तरह का वाक़ होता है तो उनकी पूरी जो गवर्नमेंट है जो उनकी हुकूमत है वो उसमें इन्वॉल्व हो के उस पर तहकीक़त करती है तो इससे पता लगता है कि उनका एक एक शहरी अमेरिका के लिए या किसी और मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है इसी तरीके से जो हमारे पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं उनके साथ अगर इस तरह का तशद होता है इस तरह का बेहिमाना तरीके से उनसे डील किया जाता है तो हमारी हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस पर तहकीक़ करें और एटलीस्ट वजह मालूम करें ताकि बाकी हुकूमतों को और बाकी मुल्कों को भी पता लगे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने शहरीों का जो कि बाहर मुकीम है उनका उसी तरीके से ख़्याल करती है जिस तरह पाकिस्तान में रहने वालों का अब इस पर मुझे थोड़ी सी मजायका इस बात हो गई है कि नाजीन यहाँ पर भी नहीं ख्याल रखा जाता वहाँ पर भी नहीं रखा जाता तो फिर हम जाएँ तो कहाँ जाएँ हम बस बिल देने के लिए और टैक्स देने के लिए यहाँ पे हैं बाकी सानू की वो कहते हैं हमें क्या इतने सारे मामला हैं तो अब इसके ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए तो प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है ऑन दिस सॉट नाजीन बहुत दफ़ा शो स्टार्ट करती हूँ मैं और दिमाग में कुछ और होता है लेकिन कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो जब मैं उनका ज़िक्र करने पर आती हूँ तो दे आर वेरी वेरी सैड आज हमारे बहुत ही प्यारे कॉलीग जिनके साथ मैंने बहुत हमारे एडमिन में होते थे और जी जब से मैंने खैबर नेटवर्क के साथ अपना करियर का आगाज़ किया बारह साल पहले तो शुरू में हम लोग जी सिक्स में जो हमारा ऑफिस था तो वहाँ पे वो एडमिन डिपार्टमेंट में होते थे और बहुत ही एक प्यारी शख्सियत बहुत ही हेल्पफुल और मैं नहीं समझती हमें कोई भी इशू होता था तो उन्होंने उसको सॉल्व ना किया हो वेरी स्वीट पर्सन चित्राल से उनका ताल्लुक था जानू यार जो कि अलील थे और कल थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई और कल रात ही इंतकाल कर गए इन्ना ला लहराज अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और उनके जो लवाहिकीन और घर वाले हैं उनको सब्र फरमाए अमीन शु अमीन बहुत ही प्यारी शख्सियत और सर कामरान जो हमारे रूह रवां हैं खैबर नेटवर्क के उनके चालीस साल की दोस्ती उनके साथ और बिल्कुल घर वाला माहौल अभी मुझे वो जिक्र कर रहे थे कि वो आठ आठवीं क्लास में थे जानू यार तो वो यहाँ पे उनके साथ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और आज इस दुनिया से रुखसत हुए हम सब ने जाना है लेकिन कुछ लोगों का बहुत दुख होता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत इंसान होते हैं सो so, मेरी तरफ़ से वंस अगेन पूरी हमारी जो के uh, टू uh, की टीम है उनकी तरफ से यार साहब के जितने uh, लवाकिन हैं रिश्तेदार हैं घर वाले हैं चित्राल में अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जितने प्यार करने वाले हैं उनको सब्र जमिल लताफ़ आमीन अमीन शुमाम नजीन ये ऐसी तल्ख हकीक़त है दुनिया से चले जाना कुछ लोग आते हैं काफ़ी दुनिया में टाइम गुजारते हैं और उसके बाद जाते हैं कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं जाना सबने है और इस हकीकत को जब तक तस्लीम कर लें विद होल हार्टिडली तस्लीम कर लें तो ये मेरे ख़्याल में सबसे अच्छी बात है उनका बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पर गुजरा और उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा और मेरी दुआ है के, uh, उनको उनके दर्जात बुलंद वमीन सुम अमीन कमिंग बैक टू द शो नाजिम क्या किया जाए अब ये वाक़ होते हैं इसके बाद हमें अपना शो भी करना होता है सो so, बट uh, ये कि उनकी uh, आज एहतराम uh, में इसलिए ज़्यादा म्यूज़िक और ज़्यादा हल्ले गुल्ले से नहीं स्टार्ट किया गया शो सो दैट्स हाउ लाइफ इज़ सो आप लोग कैसे हैं ठीक ठाक हैं खैरियत से है. अब आ जाते हैं सम थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट ये नाजिन ड्रेस है मेरा ये कहानी है 1993 की ये ड्रेस 1993 से मेरे पास है और ये बहुत ही एलिगेंट और आप देख सकते हैं यही फैशन यही वाला अगर आप क्यूलॉट्स देखना चाहें इसके जो इसके पजामा है एज़ार पैंट्स भी इसको कहते हैं नीचे आ जाएं क्या नाम के ये है ये जो इसके एजार पैंट्स हैं ये आप देख सकते हैं ये ये अब दोबारा से फ़ैशन में आ गए हैं सो तो ये इस ड्रेस का जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये आ, नूर जहाँ की जो आ, बड़े बेटे की आ, वाइफ आ, जिनका नाम फ्लोरेंस है उनका ताल्लुक फ्रांस से उन जिनका बड़ा मशहूर ज़माना कराची में कैफ़े फ्लो के नाम से मशहूर है उनकी बुटीक होती थी फ्लोरेंस के नाम से और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बुटीक्स या बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़ों का रिवाज नहीं था तो कराची में इनकी बुटीक जो थी टॉप लिस्टर्स में आती थी तो तब मैंने इनके तब नाजिन मैंने चार आउटफिट्स लिए थे उनमें से एक ये था और आप देखें कि इनकी बटन्स और इनकी जो पाइपिंग है इट इज़ सो अमेज़िंग क्या क्वालिटी क्योंकि उनका पेरीजियन ज़ायरा स्टाइल था तो उनके जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त बल्कि रिसेंट पास में अभी उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी कराची में तो मैंने उनको याद कराया था वो हैरान रहेगी कि वो वाले ड्रेसेस अभी तक है इसी तरह के तीन और आउटफिट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह पहनूंगी तो कहने का मकसद है कि जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेते हैं तो वो देर पार रहती है तो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार तो ये तब की बात है तब मेरे ख्याल में फिफ्टी फाइव हंड्रेड या छः हज़ार रुपए ना बहुत ज़्यादा होते थे तो so, हमने ख़र्च किए उस ज़माने में भी तो so, अब हमारे साथ एक कॉलर हैं और आज नाजीन बन रही है लौकी के कबाब कीमे के कबाब आपने खाए हैं हर किस्म के कबाब खाए हैं लौकी जो है मेरी फेवरेट सब्ज़ी है उसके कबाब इन आज बनाएंगे और कॉल लेने से पहले असल ममा क्या हाल हैं आपके ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं दाबर भैजन बाबर भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम और जितने देखने वाले हैं उनको तो सलाम सलामी सलाम तो एक कॉलर से बात करते हैं और थैंक यू गुलदार जूते जो है ना ये वेलवेट के हैं लेकिन अजीब बात है कि एक जो है वो डार्क आता है और एक लाइट आता है वैसे ये देखें वेलवेट के हैं लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत होगी एक कॉलर है उनसे बात करते हैं हेलो असला जी वाले कौन बोल रहे हैं जी इमरान बात कर रहा हूँ मैं कराची से कराची से इमरान साहब कैसे हैं आप इमरान खैरियत से हैं मैं मैं बिल्कुल सही हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है शुक्रिया थैंक यू और मैं और मेरी वाइफ हम लोग आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं अच्छा शुक्रिया जी थैंक यू सो मच जी और आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी बहुत अच्छा है और माशाला आपको बहुत अभी भी इतनी गोर्जस लगती हैं और हमें आपका वो ड्रामा भी तक याद है जिसमें आपने परफॉर्मेंस दी थी थैंक यू कौन सा वाला जो आपका सबसे पहला मेरे ख्याल से ड्रामा था नाम बद मेरे अरूसा, अरूसा। वो आपका अभी तक किरदार याद है और हम लोग बड़े फैन है थैंक यू जी शुक्रिया <laughs> आपसे फरमाइश कर सकते हैं किसी आ, 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 खाने की हाँ जी करें करें बिल्कुल जी आप मुर्ग छोले बनाइए अगर आप बना सकते हाँ ये अच्छी बात है मुर्ग छोले <laughs> कल बनाते हैं आपकी फरमाइश पे आपने कराची से कॉल की है तो आपकी फरमाइश पे कल बनाते हैं मुर्खली है घर पे नहीं है हाल चाल है आपके ठीक ठाक है आप खैरियत से हैं कर दिया आपकी फरमाइश पे मैंने वेव उनको चलो अच्छा, जी थैंक यू अच्छा इमरान कह रहे हैं इमरान फ्रॉम कराची मुर्ग छोले कल बनेंगे जरूर देखिएगा जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया ठीक है।, है बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज इमरान कराची मुर्ग छोले बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मुर्ग एंड छोले ओके एंड द सिप ऑफ वेरी मिल्की टी दूध ही डाला है इसमें लगता है ये अच्छा ये मुझे पता है ये किसने बनाई है वो क्या नाम है अभी जो आया था अंदर सज्जाद सज्जाद का ये कि अभी टी बैग डालते ही दूध डाल दो ताकि कलर ही ना निकले सुफेदा नाजीन इसके ऊपर तो दाग लगने का मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि 1993 था जा मुझे गिनने दे 93 94 95 96 97 98 99 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 30 31 32 33 <laughs> तीस साल पुराने कपड़े नाजीन ओ माई गॉड आई कान बिलीव इट ये देखें कितना जबरदस्त सूट है थर्टी ईयर्स मतलब इसका मतलब है कि उरूसा को टाइम होता जा रहा है अब खबरदार किसी ने उरूसा का जिक्र किया अब पहले होता था जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था खैबर नेटवर्क बारह साल पहले तो होता था अभी बीस साल हुए हैं अभी फलाने हुए हैं थर्टी थर्टी हो गए लोग थर्टी को थर्टी भी बोलते हैं ना थर्टी इयर्स अच्छा जी लौकी के कबाब बहुत मजे के होते हैं इसी तरह मैंने आपको चुकंदर के कबाब बनाने बताए थे बहुत इजी है इट्स वेरी नाइस और सबसे अच्छा स्नैक है अच्छा जी लौकी के कबाब एक हमारे साथ कॉलर हैं उनसे बात करते हैं लौकी के कबाब हेलो अस्सलाम वालेकुम हैं वालेकुम तो सलाम तो कौन असलाकुम या तहसीन हेलो फवाद जो भी मेल कॉलर है ना मेरी टीम जो है ना उनसे कतरारी होती है जेलियस लोग बहुत ही टाइट बटन हो गया जी गर्दन मेरी शुक्र है मोटी नहीं हुई तीस सालों में गर्दन वैसी की वैसी है आह क्योंकि गर्दन भी तो मोट सॉरी अल्लाह भैया प्लीज़ ये ना हो गया कल से गर्दन पे हवा हाँ भरनी शुरू हो जाए आ जाते हैं पहले हैंड वॉश नहीं हैंड वॉश नहीं सॉरी हैंड वॉश करके आई कांट वेयर द ग्लव्स देन लौकी के कबाब के लिए आपने अच्छी सी लौकी लेनी है उसको उसका छिलका उतारना है और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लेना है देख लें कद्दूकश की हुई है लौकी है ये पड़ी हुई है और ब्यूटीफुल कबाब बनते हैं इसमें और नाजरीन अगर आप मुझे एक घंटा पहले देखते और मेरी सिचुएशन देखते हैं। तो आप कहते हैं, ये ये कैसे हुआ कैसे आप तैयार हो गई दस मिनट में ओके जी आ जाते हैं अब इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ये देखें लौकी को हमने अच्छे तरीके से क्या किया कद्दूकश कर लिया ये देखें कद्दूकश की हुई लौकी है उसके बाद इसमें दो से दो टीस्पून डालेंगे दही साबुत सफ़ेद ज़ीरा हसबका नमक कुटी हुई लाल मिर्च हरा धनिया खूब सारा एक कप हरी मिर्चें खूब सारी एक कप और अगर बच्चों ने खाना है तो बेशक आप हरी मिर्चें ना डालें चुटकी बराबर हल्दी और एक लीमू डालेंगे फॉर टेस्ट और साथ में इसको कंबाइन कैसे करेंगे वैसे तो आप इसमें एक अदद अंडा डाल सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अंडे का एक बड़ा स्ट्रॉग अरोमा होता है यानी उसकी खुशबू होती है जो कि लोगों को नहीं पसंद तो अगर आपने अंडा डालना है तो आप एक अंडा डाल लें जिस तरह कबाबों में डालते हैं वो नहीं है तो ये देख लें चावल का आटा है ये देख लें चावल का आटा है ये हम इसमें डालेंगे ताकि इसको ताकि ये फैले नहीं मतलब ये कबाब की शेप पकड़े रखे ये ना हो आपके पास तो आप बेशक दो टेबल स्पून बेसन के डाल लें वो भी डाल सकते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आपके पास घर में आटा तो होता है यानी कि ये चक्की वाला आटा वो दो टेबल स्पून डाल लें इट विल बी द सेम अब हमने इसको क्या करना है मिक्स करना है लेकिन उससे पहले एक काम बड़ा ज़रूरी है जो कि आपने इसका बिल्कुल पानी जो है वो आपने ऐसे करके ये देखें अच्छी तरह आपने इसको स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल देना है लौकी जो है हजूर पाक वा, वाले वसल्लम की पसंदीदा महबूब तरीन सब्ज़ी थी और इसकी पूरी फैमिली यानी कद्दू माड़ू कद्दू और जो टीडे हैं वो बहुत फ़ायदा मंद अब आप देखें कि ये इस तरह मैं रखती जा रही हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है जो इसका पानी है वो अच्छी तरीके से आप इसको निकाल दें हेलो अस्सलाम वालेकुम जी ओहो oh, नाजीन कॉल ड्रॉप हो गई कोई बात नहीं अच्छा लास्ट रह गया ए ये लास्ट रह गया थैंक यू गुलदार भाई ने किया कोई कद्दूकश किया वाह कमाल हो गया भाई ये हमने इसमें डाल दिया अब हमने क्या किया बाकी भी इसमें थोड़ा सा रह गया ये डाल दिया अब इसको मैं बड़े बोल में नहीं कर रही इसी में कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है और हल्की आंच पे हम मैं आंच ऑन कर देती हूँ फ्राइंग पैन अभी नहीं रखेंगे इसको हल्की आंच ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे आधी टी स्पून हल्दी ये देखें आधी टी स्पून हल्दी डाली एक टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली रहीम ये डाली और एक टी स्पून ये हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला और इसके बाद हमने ज़ायका नमक जो कि सिर्फ एक टी स्पून ये इतना ये शामिल किया अब इसमें हम एक अदद लीम इसकी जो आ, वो बीज है वो निकाल दिए हैं तो हमने एक अदर लीमू जो है वो इसमें शामिल किया फॉर अमेजिंग फ्लेवर ये जो बच गए हैं ये आपने बिल्कुल इधर उधर नहीं फेंकने इसको रखना है इसको मैं पानी में डाल लूँगी तो हमारा फ्लेवर्ड वाटर बन जाएगा यानी थोड़ा सा आपको इस, इसको बेशक आप आ, आ, जो इसका छिलका है इसको काट के रख लिया करें सुखा के तो आप अपनी और ड्रिंक्स में या जो आप लीमू पानी या वो बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं अब हमने क्या किया इसमें एक टीस्पून, स्पून दो टी स्पून दही शामिल करेंगे ये देखें दो टी स्पून दही और बाकी जो दही है उसका हम अच्छा सा रायता बनाएंगे ताकि आप ये लौकी कबाब के साथ वो खा सकें तो वेरी इकोनॉमिकल डिश ये हरा धनिया शामिल कर दिया और जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चे खा रहे हो तो बेशक आप हरी मिर्चें ना डालें उफ हरी मिर्चें इतनी है कि बग़ैर मोटरसाइकिलों के, के आ जाएंगे सारे <laughs> <ना। laughs> मोटरसाइकिल को किक मारने के बजाय खुद ही कि मारते हुए सॉरी नाजी यही जोक्स मैं ही इंजॉय करती हूँ शायद आप लोगों को पसंद ना आए ये देखें अब आपने इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से ये देखें ब्यूटिफुल इसका मिक्सचर बन रहा है इतनी हरी मिर्चे ओए हो होए हो भाई बाऊ बाऊ लोगो तैयार हो जाओ किक से पहले ही मोटरसाइकिल ऑन हो जाएगा अच्छा इसके अंदर बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक बिसमन रहीम इसमें दो टेबल स्पून जो बनते हैं चार टी स्पून तो मेरे पास अभी टी स्पून है तो मैं इसमें तीन और ये चार चार टी स्पून यानी दो टेबल स्पून ये बना के हमने इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करके पाँच से दस मिनट इसको रख देंगे हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और इसके बाद इसके ज़बरदस्त से कबाब बना के हमने फ्राई करना है ये ये देख लें इसका मिक्सचर रेडी हो गया ये देख लें ये हमारे कबाबों का मिक्सचर रेडी है लौकी के कबाब बन रहे हैं अब मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे फ्राइंग पैन को गर्म करूँगी और इसमें शैलो फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जो कि हम डाल लेते हैं अभी से ए ये जब वापस आएँगे एक ब्रेक से तो उसके बाद ये देखें बस शैलो फ्राई आपने करना है कि ये सारा कोट हो जाए जो फ्राई पैन है जब तक ये हल्की आंच पर गर्म होता है एक छोटा सा वक्फा है आपने कहीं नहीं जाना है वापस आके मज़ेदार से लौकी के कबाब जी नाजीन वेलकम बैक वापस आ चुके हैं आज बन रहे ज़बरदस्त से लौकी के कबाब इसकी जो इन्ग्रीडियंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे ऑयल मैंने रख दिया था इस पर अब हम तैयारी करेंगे मैंने थोड़े से टमाटर काट के डालें इधर रखें ताकि साथ में इट्स ऑल वेजिटेरियन तो उसमें सलाद की आपको ज़रूरत नहीं थोड़ा सा जो दही बचा है उसमें हम कोई चीज़ डाले बगैर इसको इसमें चाट मसाला कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा ज़ीरा काली मिर्च और नमक डाल के इसका मज़ेदार सा डिपिंग रायता बना लेंगे जो कि मैं रखूँगी बीच में बीच वाली जगह ज़रा वो कर लें प्लेटर में ताकि हमारे कबाब जो है अब हमने क्या करना है एक बोल में आपने हल्का सा पानी थोड़ा सा और एक टीस्पून ऑयल डाल के अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लेना है मैंने ग्लव्स पहने हुए और आपने ये जो मिक्सचर है इसको ले के आपने हल्का सा प्रेस करना है हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा और इसको हम डाल देंगे बिस्मे ये ठीक है ना ये लौकी है कबाब लौकी में मॉइस्चर बहुत होता है इसीलिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है ये देख लें बिल्कुल जिस तरह आप पकोड़े तलते हैं ना उसी तरीके से ये ये लगा लिया हमने काफ़ी बड़ा फ्राइंग पैन अगर बड़ा फ्राइंग पैन हो ना तो ज़रूर रखें बड़ा फ्राइंग पैन उसमें ये कि आपके टाइम बचेगा और जो है ना ज़रा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ये देखें ये हमने डाल दिया अब ये इनको आपने हल्की आंच पे पकाना है एकदम से तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल इनको ट्राई नहीं करना कि जी तेज़ आंच पे वरना ये अंदर से कच्चे और बाहर से गोल्डन हो जाएंगे ये लिया और ये देखें दिस इज़ वेजिटेरियन ये बहुत मज़े के होते हैं और इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो लेकिन मैं मुझे एयर फ्राई किए हुए पसंद नहीं है हल्की आँच और हल्की आँच बस ये हल्की आँच पे थोड़ा पक पकड़ें पहले आपने तेल को अच्छी तरह गर्म करना है उसके बाद बिल्कुल हल्की आँच कर देनी है अब आप देख लें कि ज़बरदस्त से ये बन गए हैं एक लौकी से पाँच और ये छठा मैं इसमें डाल रही हूँ एक कॉलर भी उनसे बात करते हैं हेलो अकुम असलकम जी ओ नो सॉरी नाजीन अच्छा अगर आपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे इसके बॉल्स टाइप बनाने तो भी आप बना सकते कबाब ना हो तो अभी हमने इसमें यह डाला है थोड़ा सा और हमारा जो मिक्सचर है वो रह गया है इसमें अब आ गए हैं छः सात और ये आठवां। आठवां जा रहा है तेल के अंदर अब हमने फ्लैट स्पून से आपने इसको हल्का साइड पे करना है ये देखें ताकि स्पेस बन जाए अब जो पहला वाला हमारा था उसको मैं आपको दिखाती हूँ उसकी क्या शेप बनी है मतलब उसकी क्या कलर आया है इस कलर में आपने इसको ये देखें ए ये परफेक्ट है ये बहुत मज़े के होते हैं और देखें ना ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर वक्त जो है गोश 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 सब्ज़ी को आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करें उसके एक्सपेरिमेंट करें तो वो बड़े मज़े की बनती है अब मैं इसको साइड पर करती हूँ अब आप देखें एक लॉकी से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौदह से सोलह इसमें आपके ज़बरदस्त से कबाब बनी है एक आई है दुश्मन कहीं से हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कॉलर है हमारे साथ हेलो वालेकुम सलाम कौन बोल रही हैं महा बात कर रही हूँ लाहौर से महा फ्रॉम लाहौर कैसी हैं महा आप ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं मैं आप बहुत शुक्र अहमदैरियत आप सुनाइए अलहंदुर। आज, आज बन रहे लौकी के कबाब है न <laughs> आप रेसिपी देखना बहुत मजे के बन रहे हैं आप देख ले कर सकती हूँ करे करें क्या है जी फ्रूट वो कस्टर्ड बनाना सिखाए कस्टर्ड जी फ्रूट कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल मतलब महा महा अच्छा मैं आपको महा लाहौर फ्रूट ट्राइफल अच्छा महा आपको बता दूं कि मेरा जो होता है ना बहुत ज्यादा बहुत सिंपल होता है ठीक है जी ना क्योंकि मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा चीजें डालने से ना वो असल जो ट्राइफल का मजा है वो खराब हो जाता है जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ना जी आपका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बहुत इजी तरीके से समझाती हैं थैंक यू आपका

आहस्ता आहिस्ता अलट पलट करना शुरू कर दें ये देखें परफेक्ट बने माशाल्लाह से जब आप चावल का आटा डालेंगे उतना डालें कि आप ज़रूरी नहीं कि अगर ज़्यादा इसका मिक्सचर है तो बेशक आप दो टेबल स्पून के बजाय तीन टेबल स्पून डाल लें ये उससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी ये देख लें अभी दो रह गए आई थिंक ये इनमें थोड़ा सा टाइम है ये वाले भी ए ये ये देखें गोल्डन होना ज़रूरी है बहुत तेज आंच पे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे सही नहीं बनेंगे ये ये हो गया ये वाले को भी अलट पलट कर ये ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन आया है इसका कलर और इसका भी कर देते हैं ये भी सही है और इसका भी कर देते हैं कॉल आप कर सकते हैं ज़ीरो फाइव वन फोर वन जीरो टू थ्री फाइव सेवन पे माशा आज हमारी जो गेस्ट हैं शी इज अ पोइट हीलर है और सोशल एक्टिविस्ट है सदफ़ रज़ा आज हमारे साथ होंगी इसके बाद आपको एक कदर द सॉन्ग भी आज आपको सुनाना है अब्बास अली खान का माँ मन कुंतो मौला सॉरी माफ कीजिएगा वो सही करीब के चश्मे लग चुके हैं तो इसलिए थोड़े से टाइम लग जाता है अच्छा अब मैं इसके प्लेटर को रेडी कर लेती हूँ इसको क्लीन कर लेते हैं साथ साथ अगर आपकी कोई भी फरमाइश है तो आप कॉल करके बता सकते हैं दो तो फरमाइशें आ चुकी हैं और तीसरी जो है वो मैं लिख लेती हूँ ये जो है आपने डिप हल्की सी बनानी है बहुत लाइट डिप है ये दही है दही में मैंने ज़ीरा शामिल किया ज़ीरे के साथ हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ही चुटकी बराबर ये शामिल करेंगे और नमक चुटकी बराबर नमक इसमें शामिल करेंगे और ये हमारी डिप रेडी हो गई है ये ये देखें बस इतना आपने बेशक काली मिर्च आप लें दैट्स अबाउट इट ये इन कबाबों के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगी ए ये अब इसको हम मिडिल में रखते हैं और प्लेटर जो है ये ऑन स्क्रीन मुझे करना पड़ता है बेशक घर में आप लोग जो है डिफरेंट तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं बट ये होते बहुत अच्छे सॉरी नाजी धो ही लेते हैं उसको इट इज़ हैज टू बी वॉश्ड हेलो अस्सलाम वालेकुम एक हमारे साथ कॉलर भी हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अस, ये कौन है आज तहसीन है आज कौन है फवाद, फवाद। खा लेंगे पराठे आपके बने हुए बताएँ आप नाराज़ ना हो प्लीज़ ओके नाजीन ये अब मैं इसमें डिप निकाल रही हूँ थोड़ी सी जो बच गई है वो हम आलहदा रखते हैं ताकि आपकी ये ये हमने बीच में रखे ये इसके ऊपर आपने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले ये हमारा बीच का अभी ये कबाबों को भी इसमें रखना है ये हमारी बीच की डिप जो है वो रेडी हो चुकी है ओके अब आपने देखना है ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सही बन रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो मैं प्लेटर में निकालती हूँ वो आप देखें लग रहा है कि ये लौकी के कबाब हैं ये देखें ब्यूटीफुल कलर ये देखें ये आपने टमाटरों के ऊपर इसलिए ताकि साथ में सैलड भी हो जाए और मज़ेदार सी एक लुक भी आ जाएगी ये भी हो गया रेडी ये देखें परफेक्ट बन रहे हैं माशा से थोड़ी सी आंच अब अब आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें बेशक वो फ्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है ये एक कॉलर भी है हेलो अमेकुम ओके नाजीन आज लगता है बारिश की वजह से बारिश होती है तो बजाय इसके कहते हैं ना दुनिया में बड़ा अच्छा एक वेदर होता है लेकिन पाकिस्तान में थोड़े टाइम के बाद ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं तारे टूट गई फलाना हो गया इसी में हम लोगों की जिंदगियां जो है ना वो गुजरती जा रही हैं ये देखें परफेक्ट कबाब बन रहे हैं अच्छा जो बाकी बच गए हैं ना वो भी मैं इसमें डाल देती सो so दैट हमारा आज का काम और रेसिपी इज़ ओवर ये देख लें अगर जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है वो देख लें कि ये मैंने इस तरीके से डाला है कबाब अब हम गिन भी लेते हैं पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह बिल्कुल मेरा सही था अंदाज़ा चौदह से पंद्रह बनेंगे एक लॉक में से ये डाल दी और एक ये काफी तंदुरुस्त कबाब है हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम कौन बोल रही हैं है फारूक है आपके खैरियत से हैं शुक्र अहमदुल्ला सब खैरियत है थैंक यू क्या कहना चाहेंगे फारूक आपने प्रोग्राम की तस्करा किया वो

आप का बहुत बहुत हमको हमको मौका मौका देते देते हैं हैं और अपने प्रोग्राम में नहीं नहीं थैंक यू आपका ही तो प्रोग्राम है नाजरीन का प्रोग्राम होता है हम तो सिर्फ लेके आते हैं लेकिन होता तो आप लोगों के लिए है ना तो आप लोगों की राय बड़ी इम्पोर्टेंट होती है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया नाजीर हमारे प्यारे से कॉलर फ्रॉम दीर अच्छा ये देखें जैसी बातें की ना तो ये थोड़े से बिरौन हो गए ज्यादा इसको हमने पलट लिया ये वाले जो है ये रेडी हो चुके हैं ये देखें परफेक्ट नाजरीन ये माशाल्लाह से बन रहे हैं आई एम सो हैप्पी इतनी मैं हैप्पी हो गई हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट बने मैं सोच ही थी शायद कहीं फ्लॉप ही ना हो जाए इसी तरह आप चुकंदर के भी बना सकते हैं चुकंदर को भी सेम कद्दूकश करके कोई भी सब्ज़ी है आप उसके कबाब आराम से बना सकते हैं बशर्ते आपने उसमें चावल का आटा थोड़ा सा शामिल करना है और उसके बाद आपने उसमें क्या कहते हैं मिक्स इसी तरह करना है मसाले डाल के और आपने ये देखे परफेक्ट ये देखते जाए ना जी ज़रा हा हाय 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 चावल के आटे से बजाय क्योंकि अभी इसमें अंडा डालते ना तो अंडे की एक ज़्यादा एक स्मेल होती है और वो हर एक को पसंद नहीं होती मुझे नहीं होती तो इसलिए मैंने फिर चावल के आटे को एक ज़्यादा फ्राई हो गया ना जी ये मैं खा के आपको बताऊंगी कोई बात नहीं थोड़ा सा ओवर कुक भी हो जाए तो डजेंट मैटर ये आज की हमारी रेसिपी इज रेडी आई होप आपको पसंद आएगी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग जो है अच्छी अच्छी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ जो है वो आ, क्या कहते हैं ट्राई किया करें ये हम थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन फेरी क्वीन ये भी कर दें और थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगा दें ए ये परफेक्ट कबाब बने नाजीन ये वाला मैं लगाती हूँ इधर बोर्ड के ऊपर और बाकी जो है हमारे रेडी हो चुके हैं कबाब्स आर रेडी एंड आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद है एक क्विक से कॉलर से बात करते हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे कन फया कुन हेलो असलाकुम वालेकुमी कैसी हैं आप? मैं खैरियत से आप सुनाए कैसी हैं कौन बात कर रही हैं मैं नाशा बात कर रही हूँ कराची से लौकी के कबाब तो आपने बहुत जबरदस्त और बहुत इजी रेसिपी बताई है है ना देख लो देखते हैं माशाला जबरदस्त बने तरा देख ले बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपको पता है मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है अच्छा और आपकी फैन हो गई मैंने फर्स्ट टाइम भी कॉल की है अच्छा थैंक यू यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक्स अ लॉट तो जरूर ट्राई करना अच्छा इसी तरह आप ना लौकी के अलावा ये जो रेसिपी है इसमें लौकी नहीं तो चुकंदर को कद्दूकश कर लें आप शलजम को भी कद्दूकश करके सेम शलजम के कबाब बना सकते हैं जो भी इस तरह की सब्जी है ना उसको कद्दूकश करके आप सेम रेसिपी से बना सकते हैं अच्छा अच्छा मतलब हम काफी सारी वेजिटेबल्स के इस तरह से कबाब बना सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल देखो ना तरीका एक ही है सिर्फ सब्जी चेंज हो रही है अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और बहुत ईजी और क्विक है ना बहुत देखो मेहमान आ जाए जल्दी जल्दी कद्दूकश किया चीजें डाली घर में होती है चावल का आटा हर एक के घर में आजकल होता है बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर बना के बताना वैसे आपकी कोई फरमाइश है आ, मेरी फिलहाल तो कोई फरमाइश नहीं है क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है मुझे बहुत जरूर जरूर यार थैंक यू सो मच नताशा ओ, 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 बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह देखो तीन लग गया इधर ये देखें अब ये मैंने काटा कबाब इसमें मैंने डाला है बस्मान ग्राश्यूस। ग्राश्यूस। ओहो। इतने मजे का है माशाल्लाह आपने देखा कितनी जल्दी बस कद्दू कश करें हर चीज में ये चीजें डालें और लौकी के कबाब जो है वो बन चुके हैं <coughs> ये भी बता दूं ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आप देखें कि जो लौकी है उसको हमने भूना भाना नहीं है सिर्फ फ्राई किया है अगर आपने इसको फ्रायर में बनाना है तो आप उधर भी बना सकते हैं जी आप चलते एक आपको कलाम सुनाते हैं उसके बाद जाएंगे वक्फे पे वक्फे के बाद हमारे साथ आज बड़ी जबरदस्त गेस्ट होंगी सदफ़ रजा साहेबा पोइट हैं हीलर हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट जी नाजीन खुश आमदीद एक वक्त के बाद हम लोग गए थे आपने कलाम सुना उसके बाद ब्रेक पे गए ब्रेक से वापस आ गए और आज की जो रेसिपी थी लौकी के कबाब इसको आप दोबारा से अगर देखना चाहें तो कल सुबह साढ़े नौ बजे और रात को तीन बजे आप व्यू कर सकते हैं जो हमारी गेस्ट हैं वो तशीफ ला चुकी हैं और क्योंकि मैं टेबल ठीक कर रही थी तो मेरा कार्ड इधर आ गया सो so, पोइट uh, है यानी uh, ख़ूबसूरत शायरी करती हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो मेन इनका फोकस है दैट इज़ शी इज़ अ हीलर यानी हीलिंग करती हैं रेकी के हवाले से इनसे खूब बात करेंगे और किस तरीके से रेकी को या इस हीलिंग को आप अपनी ज़िंदगी में आज के स्ट्रेसफुल दौर में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो भी बात करेंगे और इनको लौके कबाब भी खिलाने है सो so, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही अमेजिंग सदफ़ रज़ा साहबा असल वाईकुम कैसी हैं सदफ़ जी

शेफ़ तो मैं हूँ लेकिन जब मैं फाइव स्टार होटल फाइव स्टार होटल ओके वापस आते हैं माशाल्लाह से आप की शायरी भी सुनेंगे और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे और ये मुझे ज़रूर बताएं कि दोबारा से क्योंकि लोगों में रुझान जो है रेकी का और हीलिंग का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये है क्या बेसिकली uh, मैं जो करती हूँ इट्स हीलिंग रेकी uh, उससे प्राइमरीली जो मेरा um, जिससे मैं स्टार्ट करती हूँ या जो मेरी प्राइमोटेलिटी है दैट इज़ रेकी लेकिन आई डू अदर थिंग्स एज वेल अब जैसे मेरी हीलिंग मेडिटेशंस होती हैं ओके okay. एंड uh, ये मेडिटेशन जो हैं ये जूम पे होती हैं uh, ये WhatsApp पे होती हैं एंड uh, इसमें ये होता है कि क्लाइंट uh, को ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें क्लाइंट्स शेयर करते हैं ओके okay. बहुत सारी चीजें वो शेयर नहीं करते हैं। अच्छा इज इट रिगार्डिंग कि उनकी पर्सनल लाइफ नाज़रीन सॉरी मैं जरा चेक कर लूं ये क्या हो रहा है आई एम सॉरी थोड़ा ये बेटर uh, uh, क्या कोई पर्सनल उनके इश्यूज uh, भी होते हैं जैसा होता है ना देखिए हीलिंग जो है ना हीलिंग इज होलिस्टिक होलिस्टिक हीलिंग का मतलब ये है कि सिर्फ आपका جسم ही नहीं हील हो रहा आपका माइंड भी हो रहा है आपके इमोशंस भी हो रहे हैं आपकी सिचुएशंस भी हो रही हैं और आपकी एनर्जी भी हील हो रही है ओके। okay. क्योंकि अगर आप खाली एक चीज पे फोकस करेंगे हाँ. तो जाहिर है आप टोटेलिटी में रह रहे हो ना आप अपनी बॉडी में अपने इमोशंस अपनी थॉट्स, अपनी एनर्जी अपनी सिचुएशंस के साथ रह रहे हो हुँ. तो अगर खराबी जो है अगर आप कहेंगे मेरे सर में दर्द है तो आप सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट कर लें आप उस सर के दर्द के लिए गोली ले लें थोड़ी देर के बाद सर का दर्द वापस आ जाएगा तो होलिस्टिक हीलिंग के अंदर हम हम करते हैं कि रूट कॉज पे जाते हैं कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा है ओके सो वी ट्राई टू एड्रेस दैट तो एनर्जेटिकली भी होता है विच मीन्स के हम उसको मतलब जो मैं मेडिटेशन करती हूँ इसमें हम आ, जो एट टाइम्स क्लाइंट्स नहीं भी बताते वो चीजें भी निकल के आ जाती हैं है okay. एंड उसके बाद फिर हम उनको गाइड करते हैं कि ये वाले पैटर्न आपके ठीक नहीं हैं। जाहिर okay. है जब वो सारी बातें सामने आ जाती हैं जो इवन क्लाइंट्स ने बताई भी नहीं है तो एवरी थिंग इज ऑन द टेबल नाउ ना सो यू नीड टू रियलाइज के जो चीजें जिसकी वजह से खराबी है आपकी जिंदगी में अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये बीमारी या इशू जाने नहीं वाला सो hmm. so आपको चेंज करना है Say. तो वो जो एक अवेयरनेस है वो भी दी जाती है और सेशन्स uh, होते हैं मल्टीपल सेशंस होते हैं और uh, मेरा ये है कि मैं पांच हीलिंग सेशंस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ और उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो मंथली पे चले जाएं या वो सिक्स uh, मंथ्स में कोई करा लें या कुछ क्लाइंट्स के लिए मेरा डेली uh, भी चलता है डेली मेडिटेशन होती हैं जो नौ बजे हम करते हैं सो इट इज लाइक थैंक यू सदव जी मुझे पता क्यों मेरे जितने गेस्ट होते हैं वो इतने कूल है वो अपना एक्सप्लेन करने में लगे होते जो जो होस्ट है वो कुछ ना कुछ कर हैव गॉट सो मच एंड यू मीट सो मेनी पीपल मिशी है कि जो ग खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अच्छा ये कि जो भी इधर माशा गेस्ट होता है वो इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता वो अपने आंसर या वो एक्सप्लेन कर रहा होता है हाँ. कुछ लोग होते हैं ना एकदम चुप हो जाएंगे यार ये होस्ट क्या कर रहा है असल में मिशी आप तो हो ही एक्सपर्ट लेकिन होता ये है कि जैसे हम जैसे लोग हैं वो भी आके एक्सपर्ट हो ही जाते हैं ना अब यूज्ड हो, 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 हो जाते हैं लेकिन जिस दिन आपको मेरे जो प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे पहले कट करते थे कि मैं कर क्या रही होती हूँ तो आप कहेंगे यार गेस्ट वाकई इनको सलाम है अच्छा कमिंग बैक टू आपकी आ, रेकी जो है इसमें फर्ज करें आप और मैं बैठे तो इसमें हाउ डू वी जैसा मेरी अगर बहुत हाई एनर्जी है या हाई मेरे अंदर आ, आ, क्या कहेंगे खुशी का मादा ज्यादा है तो उसको आप गुड एनर्जी कहेंगे नाजिटिविटी टॉक्सिस यू नो यू है प्रेजेंस आप एक एनर्जेटिक बींग हो ना हम सब एनर्जेटिक बींग्स हैं हम अपनी जो जो वाइब्रेशन है जो हम हर जगह लेके जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप बहुत प्यार से खाना बनाते हो ठीक है यू आर इन्वॉल्व इन इट सो वो जो आपकी एनर्जी है वो टेस्ट में ट्रांसलेट हो जाती है ओके ठीक है सो ये हमने अपने आप को इस तरह देखना छोड़ दिया है ओके। तो अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है आप जिस जगह जाओगे वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी इर्द गिर्द के लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी ठीक हो गया नेगेटिव हैं आप तो अपनी नेगेटिव एनर्जी लेके जाओगे वो भी एनर्जी ये मैं काम बनने की बात कर रही हूँ अच्छा ठीक है? इसका मतलब है मैं आम बनने की आम, बात कर रही हूं। अच्छा ये इसका मतलब ये affect. कि दिस डज अफेक्ट एवरीथिंग अफेक्ट्स बिकॉज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू आर सेइंग आप जो सोच रहे हो आप जो बोल रहे हो आप जो महसूस कर रहे हो वो आपकी एनर्जी के जरिए ट्रांसमिट हो रहा है यूनिवर्स के अंदर ट्रांस्मेंट और ट्रांस्मेंट वो लोगों को जा रहा है और ये कह देना कि मेरी सोच मेरे तक है ऐसा नहीं है आपकी सोच दूसरों को जा रही है, जा रही है। आपके लफ्ज जैसे मैं बोल रही हूँ तो इस कमरे में भी जा रहा है आ, टीवी के जरिए और लोगों को जा रहा है आप तक जा रहा है इसी तरह हमारी थॉट्स जो हैं वो तो और वाइडर उस पर जाती, जाती है मतलब उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि समटाइम्स वेन यू आर थिंकिंग ऑफ समान उसका कॉल आ जाता है या आप उसको देख लेते हो आपके घर आ जाता है वह कहते हो अरे भाई मैं तो सोच रहा था कि आज तुमसे मिला जाए तो यू नो वी आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड हर चीज इस यूनिवर्स में का और वी आर ऑल कनेक्टेड द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड बींग ह्यूमन हमने इंसान जो है ना हमने अपने आप को बहुत ज्यादा अपने पेडिस्टल पे भी बिठा दिया है और हम बहुत अपने आप को स्पेशल समझते हैं इसी वजह से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है नेचर हाँ। के साथ भी एक दूसरे के साथ भी चीज़ों के साथ भी और यही हमारी खराबी की इब्तः है यही हम आ, नेचर को भी डैमेज करते हैं और अपने आप को भी डैमेज करते हैं और रिलेशनशिप्स को भी डैमेज करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा आ, ये बताएं ये मैं, मैं अपना पर्सनल इसलिए बता रही हूँ आपके सामने बैठी बैठा हाँ. अच्छा मैं ये एनर्जी का है जैसा मैं कोई भी कोई बयाबान जगह नाजरीन हो ना उधर कोई करियाना स्टोर या कोई ऐसा बेसमेंट में कोई स्टोर है जो मुझे लगा कि वो मैं चेकआउट करती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मुझे अकेले में ना खामोशी है दुकान में कोई नहीं है जैसी मैं कहीं जाती हूँ ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको ना मॉनिटर uh, करना शुरू किया यार ये मेरा ही दिमाग है कि शायद ये ऐसे होता है दस से पंद्रह मिनट अगर मैं वहां हूं ना हाँ। आता आसते वहां पर लोग आने शुरू हो जाएंगे ठीक है ये मैंने मैं कह रही हूँ ना बेबान में जा रही हूँ ना करियाना स्टोर नया खुला है मैं बड़ी खुश मैं का यार अब सुकून होगा चलो मैं नमास पहन के दो उधर चीजें देखने की मेरी बड़ी इनक्विजिटिव हैबिट है तो उसमें लोग जमा होना शुरू ऐसा है have, क्या यू हैव अ पब्लिक पर्सोना ना ओवर द इयर्स बिकॉज़ यू हैव बीन आप कैमरे के सामने आप पब्लिक उसके अंदर रहे हो ना तो आपकी जो एनर्जी है वो उस चीज को अट्रैक्ट करती है अच्छा ठीक है आप चाहो भी कि मैं आइसोलेशन में रहूं लेकिन जो आपकी एनर्जी बन गई है वो ये है कि उसको लोग चाहिए उसको ऑडियंस चाहिए तो आप चाहोगे भी नहीं तो आपकी एनर्जी यही ट्रांसमिट कर रही है जो आपके एंटेनाज है ना वो लोगों को बुला रहे हैं बिकॉज दिस इज वट यू हैव बिकम ओवर ओके ठीक है ना okay. इसमें आप कुछ ये भी कह सकते हो कि आपका इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का भी वो है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन नाउ यू आर ट्राइंग टू बी एन इंट्रोवर्ट लेकिन अंदर से तो आपकी जो वाइब है वो वही वाली है ना ठीक hmm. है सो so, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी ओके okay. so, हर एक इंसान की एनर्जी होती है ना इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स के आ, हम जैसे हीलर्स हैं जैसे ये कि अभी हम बात कर रहे थे इससे आने से पहले मेरी एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी मैंने बच्चियों को इंटर्नशिप कराई hmm. थी तो हम लोग उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे तो मेरे साथ अब ये होता है कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट तो जब मैं किसी पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ किसी शादी में जाती हूँ किसी मॉल में जाती हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और मेरा तो हर वक्त लोगों के साथ रहता है हुँ. मेरे क्लाइंट्स एंड ऑल अब ये होने लगा है कुछ अरसे से कुछ अरसे क्या मतलब शुरू से था लेकिन अब मुझे ज़्यादा फील होने लगा है उम्र की वजह से शायद तो ये होता है कि मैं ड्रेनड हो जाती हूँ बिकॉज आप जब हीलिंग के किसी मोडेलिटी के अंदर हैं आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है अब मैं हीलिंग की मोडलिटी में हूं तो मेरी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स को ये मैसेज दे रही है कि जिसको हील होना है इसके पास आ जाए आ जाए तो, तो मैं उस प्रोसेस में आपको ड्रेन हो जाते हैं आप ड्रेन होते हो क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई क्लाइंट आके मुझसे कह तो नहीं रहा कि मैंने आपसे हीलिंग लेनी है और ये एक्सचेंज होगा ये तो मैं पब्लिक में हूँ जब कोई बंदा यहां से गुजर के गया वहां खड़ा हुआ है वो मुझे देख रहा है या कोई आके मेरे पास मतलब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है और लोगों के साथ भी होता है कि मैं किसी शादी में हूं या मैं किसी ऐसी जगह हूं और एक दो लोग आके मेरे साथ बैठ जाएंगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अजनबी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे सो पहले तो थोड़ा सा परेशानी होती थी अब मुझे पता चल गया है कि मेरी एनर्जी से ये चीज है कि हीलिंग जिनको चाहिए वो फिर आ जाएंगे अब वो कुछ को तो मतलब कॉन्शियस है कि वो क्लाइंट हैं और कुछ जो है वो आके ड्रेन करने के लिए हाँ जी कुछ so, लोग एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं जिसको कहते हैं एनर्जी सकर्स दे आर एनर्जी सकर्स सॉरी ये अंग्रेजी का एक एक्सेंट उसमें एनर्जी सकर्स भी होते हैं ना जो आप बैठे तो आप ड्रेन हो जाते हैं कहते हैं यार ना ही आते किसी से vampires, होते हैं आ, मतलब भी, दे, आ, ये ये है। ये डिफरेंट डिफरेंट है है हमें क्योंकि इस तो रात इतने है। short, uh, उसके बाद वापस आते हैं इनसे और गपशप लगाएंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे जी सदफ हमारे साथ मौजूद हैं और आपको इनके बारे में बताया अभी इनकी शायरी भी सुनेंगे पोइट हैं हीलर हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं अच्छा सदफ हीलिंग uh, के बारे में तो हमने काफ़ी बात की तो पोइटर्स भी हैं आप और साथ में सोशल uh, एक्टिविस्ट हैं जहाँ पे सोशल एक्टिविटी की बात आती है ख़वातन के ऊपर अभी पिछले दिनों काफ़ी uh, ऐसी uh, बहिमाना तशद्द की कहानियाँ सुनने को मिली जिसमें हमारी एक uh, बहुत फेमस एंकर भी मौजूद हैं वेर आई फील कि अगर आपकी एंड में मुफामियत ही होनी है तो फिर आई uh, थिंक uh, बहुत सोच समझ के टू वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हाँ. कुछ लोग इसके मीम्स बनाते हैं कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग इसको सीरियसली लेते हैं मतलब इट्स अ मिक्स रिएक्शन होता है उसी तरीके से अभी रिसेंट अभी कुछ दिन पहले अ सोशल एक्टिविस्ट एंड खुत के उस पर खलील uh, रमान कमर साहब नाजर चार बजे कोई आपको कॉल करे ना या किसी को आप जानते ना हो को आपका कोई लंगोटिया ना हो वो खुदा के वास्ते ना जाए उनको कहें कि किसी रेस्टोरेंट में आके आपसे मिल लें तो ज़्यादा बेहतर है और दूसरी बात यह है हाँ फिर उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर ने कहा कि पाँच साल के लिए आप धूप में निकल सकते माफ़ कीजिएगा एक कॉल लेते हैं उसके बाद आपने इस पर बताया ना कि वेयर इज दिस ऑल गोइंग हेलो वालेकुम सलाम कौन बोल रही है जी बेटा क्या हाल चाल है आप अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक सब खैरियत है क्या कहना चाहेंगी मानूर माशाल्लाह ऐसी आप हमेशा की तरह से बहुत प्यारी लग रही है आपके गेस्ट बहुत प्यारे हैं yeah. उन्होंने भी आज ब्लू पेन है वेरी गुड भाई सो आप कैसी हैं सब ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है क्या कहना चाहोगे बेटा ये कहना चाहूंगी की आपकी गेस्ट राइटर राइटर है, जी, और तरह पेटर है। मुझे भी पेट्री का बहुत शौक है और पेट्री के मतलब पेट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे इसके बारे में मतलब कुछ बताएं। हाम भी, हाम भी आगे पेट्री में किस तरह आगे बढ़े बेटा बेट, पेंटिंग पोइट्री पोइट्री मतलब आ, शायरी करती हैं अभी इनकी शायरी भी इंशाल्लाह सुनेंगे जी जी जरूर और इसके अलावा आप ये बताएं कि अगर हम अगर अगर तनाई में तरह कभी वो डिप्रेशन में हो जाए तो इसके लिए हम अपने उस डिप्रेशन को कैसे रिलीज किया करें डिप्रेशन के ठीक है मानूर आप ऑन एयर सदफ आपको बताएंगी अच्छा तरीका तो इनशाला आपका डिप्रेशन दूर होगा थैंक यू थैंक यू बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक जी हाँ जी अच्छा बेटा आ, पहले सवाल का मैं पोइट्री का जो कह रही हूँ शायरी जो है ना बहुत अच्छा तरीका है जिसके जरिए आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हो सो so, ये आपका अंदर का कथारसेस कथार्स का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई गुब्बार है या गुस्सा है या नफरत है या दुख है तो उसको जब आप अल्फाज में डाल देते हो ना तो आपके अंदर की सफाई हो जाती है तो दिस इज़ समथिंग जो कि मैं इनकरेज करती हूँ यूथ को कि वो ज़रूर करें अच्छा ये भूल जाओ कि शायरी जो है वो अपने जिसको कहते हैं ना पैमाने पे होनी चाहिए उसको फिर सिर्फ अपने दिल की जबान बना लो तो लफ्ज़ मिलेंगे और जब तुम दिल से लिखोगी तो सुकून भी मिलेगा एक तो शायरी के हवाले से और अच्छी uh, किताबें पढ़ो बिकॉज हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का रुझान कम हो गया है खत्म ही हो गया है uh, जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपको लफ्ज मिलते हैं जब आपको लफ्ज मिलते हैं तो फिर आपको इजहार मिलता है आप लिख सकते हो तो जितनी किताबें पढ़ोगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे सो दैट इज वन थिंग और इसमें कोई गाइडेंस नहीं चाहिए होती अपने दिल को फॉलो करो दूसरी चीज़ तन्हाई के हवाले से डिप्रेशन के हवाले से बेटा अगर आप समझ लो कि तन्हाई जो है वो एक सोच है जो लोगों ने आप पे तारी की है इंसान कभी भी तन्हा नहीं है इंसान जो है अगर वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अल्लाह को अपने अंदर महसूस कर ले और जब मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह को अपने अंदर महसूस करो तो जैसे सांस आपके अंदर अंदर जा रही और आ रही है इसी तरह आप आंखें बंद कर लो और कहो कि अल्लाह मेरी इस तन्हाई में तू मेरे साथ है और जो मैं आ, मेरे ऊपर जो भी बोझ है मैं इस लम्हे ये सारा तेरे हवाले करती हूँ तो वो जो तन्हाई है उसमें आपको सुकून मिल जाएगा लेकिन मसला ये है कि हमें ये करने की आदत नहीं होती हमें हर वक्त लोगों को इकट्ठा करके वी नीड पीपल ऑल हूँ। हालांकि अकेलेपन में आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में ज्यादा बेहतर सोचते हैं आ, हर हर वक्त आप नहीं सोच सकते क्योंकि आपकी अगर thoughts को तरीका नहीं आता ना अपने आप को करने, करने, करने का रेगुलेट का तो आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो अरे मेरे साथ ये क्यों आ मेरे साथ ये क्यों आ मेरे साथ ये क्यों लेकिन अगर आप तो ये एक जरा डिफ़िकल्ट उसके लिए आपको थोड़ी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए तो सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको उस वक्त आता है जब आपका विजडम या इल्म जो है उस लेवल के ऊपर होता है आम बंदे के लिए सिर्फ ये है कि आप सिंपली जैसे आप सांसों को महसूस कर रहे हो ऐसे अपने अंदर अल्लाह को आप महसूस करो और वो इतनी खूबसूरत फीलिंग है कि अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ नूर पे कंसंट्रेट करो रोशनी पे तो आपको बहुत सुकून मिल जाता है आई होप मनूर आपको जवाब मिला अब आते हैं वापस कमिंग बैक टू थैंक यू सो मच फोर कॉल खलील उमान कमर साहब अब ये जो तरीक़ाकार है कि आप एक पोइट हैं आप एक काफ़ी लोगों को इन्फ्लुंस करते हैं और आपका जो पेशेंस लेवल है वो इतना कम है कि आप दूसरे की बात सुने बगैर झड़क देते हैं और वो फिर वो एक सिलसिला जारी हो चुका है अब ये जो भी किस्सा हुआ और उसके फ़ौर बाद अब उनके मुख्तफ पॉडकास्ट में उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं तो वो यू लाइक टू से अबाउट दिस होल फ्यासको जिसकी वजह से बहुत इन्वामेंट इसका टॉक्सिक हुआ हुआ है ऑन सोशल मीडिया मिशी मैं इसके बारे में बहुत थोड़ी सी बात करूँगी और वो मैं बात एक जनरल वो करूँगी मैंने अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में बड़ी रियाजत की है मेरी कोशिश होती है कि मेरे मुँह से किसी भी फोरम पे कोई नेगेटिव बात ना निकले किसी के बारे में भी ठीक है चाहे वो जितना भी डिजर्विंग हो या ना हो ठीक है ये कोई ऐसी बात नहीं है पैसेफिको सो, सोच नहीं है ये ये एक मेरी जिसको कहते हैं ना हीलिंग का एक वो है बल्कि इस बात पे कभी कभी जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ और कोई गलती से सामने आता है और जब एक वो आपके अंदर से एक निकलती है ना मतलब मासूम सी गाली तो मुझे उस पर भी कभी कभी अफसोस होता है क्योंकि मेरे मियाँ भी मुझे चेक करते हैं और मुझे खुद भी रेकी भी मुझे अंदर से कहती है कि ये नहीं करना मुझे तो बड़ा मज़ा आता है <laughs> मजा तो बहुत आता अकेले है। अकेले में ना मॉली बैठी होती आ, मैं जा रही होती हूँ उल्टा सीधा अपने से बोलते हुए तो फिर तो आप अच्छा इस चीज के बारे में मैं बताऊं की देखें साहब के बारे में बता के के बारे मैं बता रही हूं के जो हमारा माशरा है ना इस माशरे में जो एक सस्ती शोहरत है कुछ कह के कुछ करके अटेंशन ले लेने की तो वो बहुत है ठीक है और उसकी वजह से बहुत से लोग बहुत सारे काम भी कर रहे हैं बोल भी रहे हैं चीजें भी कर रहे हैं मैं ये समझती हूं एनर्जी मेरा मेरे अल्फाज मेरा इजहार ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंकली नहीं है उसकी वजह यह है कि मैं क्यों अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूं मैं तो फ्रेंकली अगर ये वाली पोस्टे मेरे सामने भी आती है ना तो मैं यूं करके स्क्रॉल करती हूँ कि मतलब वो दोबारा ना आए मेरे सामने उसकी वजह यह है कि जिस तरह जि इसको आप ये एक चीज है ना सोशल मीडिया क्या है आप एक चीज को देख रहे हो वो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा आ रहा है जब वो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है तो आप सोच भी रहे हो जब आप सोच रहे हो तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ठीक है आप किसी बंदे को आप इंफ्लुंस नहीं कर सकते आप उसकी सोच नहीं बदल सकते ठीक है वो अपने जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसने खराबी करनी है या बेहतरी करनी है ये उसका इख्तियार है अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया हुआ है अगर उसको हिदायत मिल रही है तो वो शायद वो एक बेहतर रास्ते पे नहीं, आ जाए मैं जो कहना चाह रही थी मतलब uh, जस्ट स्मॉल पाए के राइटर होते हैं आपको ने डिसाइड करता है कि आप कितने पाए के राइटर है? लोग डिसाइड तो नहीं आप समझी नहीं मेरे सवाल कहने का मकसद है हाँ. सोसाइटी आज की बात नहीं कर रही इन सारे पॉडकास्ट से पहले की बात कर रही हूँ जब पॉडकास्ट नहीं थे उनकी लिखाई लोगों को पसंद थी उनकी शायरी भी है उनकी किताबें भी आई हैं जो भी है तो इस चीज़ को बजाय इसके कंटेन करने के कभी कभार इंसान कभी कुछ कह देता है लेकिन इतना ओपनली अगर आप बहुत ओवर ऑनेस्ट भी होते हैं तो वो भी आपके लिए नेगेटिव हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी के कपड़ों पे किसी के किसी पे कभी किसी पे आपस में तो हम बैठ के बात कर सकते हैं बट सोशल मीडिया पे जब आप इस तरह करते हैं तो बिग डिफरेंस yeah. कि लोग कहते हैं कि भाई इनके पास इतनी शोरत और ये इनको क्या जरूरत थी ये इतनी छोटी बात करने की? देखो औरत पे बात करना बड़ा आसान हो गया ना इस माशरे में हमेशा से था ठीक है ना आप औरतों के हवाले से भी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी कर लेंगे तो आपको वो अटेंशन मिल जाएगी क्योंकि ज़ाहिर माशरा डिवाइडेड है बिल्कुल और ओवर द ईयर हमने औरत की रिस्पेक्ट खोई है अगर मुझसे कोई ये कहे कि हमारे माशरे में औरत को बड़ी इज्जत दी जाती है तो मैं मतलब आ, पहले तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी अब मैं उठ के चली जाती हूं ऐसी जगह से जब मुझे ये कोई कहता है कि औरत की बहुत हमारे माशरे में हम औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि औरत फला 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 है ठीक है ना सिलेक्टेड रिस्पेक्ट है ना बेसिक तो वो ये वो टाइम सेंगे जब आप ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो औरत का मौजू वो एक ऐसा जबरदस्त मौजू है कि जिसके ऊपर आप हिट हो सकते हैं ठीक है कर लें आप कर ले लेरा वैसे ही जवाल की तरफ जा रहा है चला गया है अब जाने है मतलब मतलब रॉक बॉटम मैं पहले रोज कहती थी कि हम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं हम रॉक बॉटम फिर कोई एक नई चीज बड़ी खूबसूरत सी आ जाती है मुझे लगता है कि नहीं 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 अभी तो अभी रॉक बॉटम नहीं किया अभी हम और मजीद गरावट की तरफ जाएंगे और पता नहीं फिर रॉक बॉटम मिलेगा ये हम सीधे जानुम में जाएंगे ओके so, uh, uh, so, uh, uh, oh. नाजीन वेलकम बैक वापस आ गए अभी एक और खबर गर्दिश कर रही है <laughs> दो मिनट के बाद ना आप डर के मारे अब जो है ना इंस्टाग्राम और खोलते नहीं कि कुछ और आगे आ जाएगा सो वेलकम बैक आज जो है बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा इन आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी लेकिन रिगार्डिंग uh, आपका जो पोइट्री uh, है उसके हवाले से आपकी जो किताबें हैं वो शाया हुई हैं या होने वाली हैं अभी मेरी पहली किताब लाइक अस्ली पॉकर पब्लिश हुई थी 2003 में ओके इट्स आई राइट इन इंग्लिश मेरी अंग्रेजी की शायरी है और अब बहुत अरसा हो गया लिखते हुए मुझे तीन किताबें आ चुकी हैं दूसरी आई है 2012 में राइट मी इन रेड और तीसरी किताब आई है 2017 में इन द स्पेस ऑफ अ ड्रीम मेरी किताबों का जो थीम है और जो मेरी शायरी का है मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ लेकिन मैं लिखती इस के हवाले से हूँ तो जो आपकी पहली वाली भी बात थी इस बात को अब मैं दोनों बातों को रिलेट करती हूँ कि आ, मैंने आ, अपनी जिंदगी में आ, जब महसूस करना शुरू किया और मैंने देखा कि इस माशरे में औरत के साथ बड़ा जुल्म है और बहुत कुछ मैंने खुद भी सहा तो उसने उस सारी घुटन गुट, घुटन ने और वो जो सब वो था आ, क्योंकि हमने तो एटीज़ भी देखा है ना अपने बचपन में तो वो सारा जो है वो शायरी के अंदर आया और वो एक मुझे आउटलेट मिला जो मेरी 2012 में किताब आई राइट में इन रेड उसके अंदर तो बाकायदा से मैंने जिसको कहते हैं ना एक औरत की वो मैं कहती हूँ चीख है कि वो जो जो उसके ऊपर वायलेंस है जो उसके ऊपर मतलब जो भी उस माशरे से ये जो गुजर रही है उसके हवाले से वो सारा है फिर जो मेरी थर्ड किताब है उसके अंदर मेरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है जैसे मैं रेकी और फिर उसके हुँ. बाद हीलिंग और उसके अंदर चली गई फ्रॉम अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आई केम टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अपने सेल्फ के अंदर भी और अपने इर्द गिर्द भी सो so, बहुत वो जो पिछली हम बात जिनकी कर रहे थे तो मैं बेहतर मैं इस बात को ही समझती हूँ कि अगर इस इस तरह के लोगों को और इश्यूज को आप अपनी ब्रथ ना दें इससे ज्यादा मैं सिंपल नहीं कह सकती कि आप उनको अपना एक सांस This means तो एक भी ना देस की हम एक मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में रह रहे मीडिया तो है ही इसके बारे में हाँ मतलब वो तो जनरली ऐसा हो ही नहीं सकता कहने में तो बड़ा आसान है लेकिन जितना बड़... आप उसको वो कर रहे हैं ना वो बड़ा है ये वो जमाना है वो नहीं होता कि एक इतनी सी चिंगारी फिर पूरा वो बन जाती है तो हम कर क्या रहे हैं कि हम इतनी सी चीज को अटेंशन दे दे के इतना बड़ा बना रहे हैं और हमारे सामने मतलब मैं इस बात पे मुकाफाते अमल पे बहुत मेरा बिलीफ है मैं कहती हूं कि अल्लाया सबको अपनी अपनी जगहों पे पहुंचा देता है और कभी भी बड़ा बोल ना बोलो ये बात है बड़ा बोल ना बोलो कुछ पता नहीं है कि कौन सा लम्हा जो है आपकी पकड़ का हो जाए तो so, मैंने अपनी चार बजे नाजी पकड़ हो गई <laughs> <laughs> सॉरी <laughs> मैं ये समझती हूँ जानने वाला दोस्त भी कह रहे हो तो आपको होता है रात को वक्त है सुबह कर लेंगे दोपहर को मिल लें मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा तो काम ही इस वक्त ठीक है अगर फर्ज करें आप आप मैं आपको जानती हूँ और मैं कह अच्छा सदफ क्या कर रही है अच्छा मैं सुबह नमाज पढ़ के आपकी तरफ चक्कर इस तरह आज के जमाने में सम अननोन पर्सन जिससे आपकी दस दिन पहले बात हुई है तो उसको आप जस्टिफाई करना कि जी हमारा तो रात का ही काम होता है तो 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 कोई पुराने को लीग हो समझ में आती है ना आप ये के लोग इस बात को बाई कर रहे हैं जी लोग इस बात पे बिलीव कर रहे हैं तो जिस माशरे में कि जिसको कहते हैं ना इस हद तक पस्ती में चला जाए कि वो इस बात पे यकीन कर रहे हैं तो वहां आप अपनी सांस क्यों जाया करो इस तरह के लोगों पे या इस तरह के इश्यूज पे बात करने के लिए क्या जितना है। जितना आप करोगे उतना उनको एयर मिलेगी इतना वो चिंगारी जो है पूरा वो बनेगी तो मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह से जब अपने उसमें करती हूँ नेगेटिव हम नहीं कर सकते किसी के बारे में भी नेगेटिव दुआ नहीं कर सकते किसी का बुरा भी नहीं चाह सकते जिस जिस चीज में मैं हूं ना हमें अपने ऊपर बड़ी पहले खुद पाबंदी लगानी होती है वो गुस्सा आता है बेताहाशा गुस्सा आता है क्योंकि जब आप किसी पे जुल्म देखते हैं ना तो बहुत मैं उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि हमारे सा हमारे माशरे में अभी भी एक बच्ची ने को मारा गया जिस अंदाज में मारा जी जी सानिया जहरा को और उससे पहले नूर का तो हम सभी जानते हैं ठीक है तो जब हम अभी मैं बात करी ना मैं भारी हो गई ये कहने में मैं भारी हो गई क्योंकि मेरे वो हो गए क्योंकि हमारी एनर्जी आती है ठीक है तो ये हाल होता है हम जैसे लोगों का कि हम लोग फिर बिल्कुल रह जाते हैं क्योंकि हम तो एनर्जी का सारा काम कर रहे होते हाँ, हैं ना वो सारा है तो बोलने से तो मैं क्या मतलब हम मैं पिछले मैंने एज अ व्यूमेन राइट एक्टिविस्ट काम करना शुरू किया अर्ली नाइन्टीज में अच्छा अर्ली नाइन्टीज में पाकिस्तान की बहुत मेन मेन चीजों में मैंने कंट्रीब्यूट किया है बहुत किया है मैं उन पर जाती भी नहीं हूं लेकिन अब मैं मॉस्ट्रे को देखती हूं तो क्या मैं आपसे ये कहूंगी कि मॉस्ट्रे में बड़ी बेहतरी आ गई है नहीं नहीं है ना? डाउनर जा रहे हैं ऑन दिस नोट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट वी हैव टू से गुड बाय बिकॉज थैंक यू हमारा प्रोग्राम कट ना जाए कि बहुत शुक्रिया सदफ आपका क्या आप तशीफ लाए इन आपसे दोबारा मुलाकात होगी नाजीन ये बात रह गई आधी बात जो है वो इनशाला कल होगी सो so सॉरी आज आपसे थोड़ा सा इसलिए भी सब ड्यूट शो हुआ बिकॉज हमारे बहुत प्यारे कॉलीग जानू यार साहब जो है वो आज इंतकाल फरमा गए उनकी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे उनके आ, जो लवाकिन और घर वाले हैं उनको सब रिजमी लता फरमाए टीम का सबका बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन नाजीन कल मिलते हैं रात को नौ बजे लाइव तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मिल के कहते हैं पाकिस्तान 全だわ。